नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारतीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र किया जारी। इस घोषणा पत्र के जारी करते हुए एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से मीडियाजनों को घोषणा पत्र में की जाने वाली घोषणाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह व कांग्रेस की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आरती शर्मा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। और आज प्रगति कोटी भाग में कांग्रेस पार्टी का नगर पालिका का घोषणा पत्र का आज हमने यहाँ पर विमोचन किया है, जिसमें हमने यही प्रयास किया है कि जो काम पिछले 5 साल में हुआ उसको हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं, यही हमारा प्रयास रहेगा। पिछले 5 साल में विशेषकर मेरे बड़े भाई नगरपालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह जी के द्वारा और नगरपालिका उपाध्यक्ष भैया शांति रखें जरा पुरुषोत्तम पुरी जी के द्वारा और साथ में हमारे सभी जो पार्षदगण थे उनके द्वारा जो विकास कार्य रावगढ़ में हुए, जिसमें मैं मानता हूँ कि 5 साल पहले रावगढ़ में एक भी पार्क पूरे शहर में नहीं थी, लेकिन पिछले 5 साल में कम से कम 15 पार्क निर्मित हुई हैं अलग अलग वार्डों में। और हर दिन हम देखते हैं कि आसपास के मोहल्ले के जो परिवार वहाँ विराजते हैं वो भी उनके बच्चे भी उन पार्क्स का आनंद लेते हैं। रावगढ़ नगर पालिका का एरिया काफ़ी बड़ा है, रावगढ़ से रुठियाई तक गाड़ी से भी लगता है कम से कम 20-25 मिनट। और इस एरिया में भी अब जिस प्रकार से धीरे धीरे विकास हो रहा है, अभी यहाँ पर जैसे ही 4 लेन का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि राहुल रुठियाई के साथ में जो गेल NFL और GP का जो पूरा एरिया आता है, जिसमें हम देखें तो जितने CBSE स्कूल रावगढ़ में हैं शायद उतने ही गुना में हैं, जबकि गुना जिला मुख्यालय है। लेकिन जिस प्रकार से रावगढ़ में जो विकास कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है, जिसके लिए मैं मानता हूँ, चाहे मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या फिर मेरे काका जो 5 बार सांसद रहे लक्ष्मण सिंह जी का पूरा योगदान हो सब, और विशेषकर जो रावगढ़ में हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने जो भी कुछ काम किया हो, सभी के कारण आज रावगढ़ ऐसा विकसित शहर है जहाँ पर रोजगार की जो उपलब्धियाँ हैं, मैं मानता हूँ आप कहीं भी जाओ ग्वालियर और इंदौर भोपाल के बीच में जितने रोजगार के अवसर रावगढ़ में हैं और किसी आसपास शहर में नहीं है। आने वाले 5 साल में भी हमने घोषणा पत्र में ऐसी उपलब्धियाँ का हमने उल्लेख किया है जिनका हम जल्द से जल्द काम करने का प्रयास करेंगे। गुना शहर की प्रतिभाओं ने हरियाणा में किया गुना का नाम रोशन। गौरतलब है कि विगत 4 जनवरी से 7 जनवरी तक हरियाणा स्टूडेंट ओलंपिक संघ द्वारा 4th स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का आयोजन रोहतक के राजीव गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गुना बैडमिंटन युवराज क्लब अकेडमी के खिलाड़ी पंकज बुनकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर वर्ग में तृतीय स्थान के महाराष्ट्र के खिलाड़ी को हराते हुए कांस्य पदक जीता है। वहीं अंडर 14 वर्ग में हर्षिका साहू ने जूनियर वर्ग में द्वितीय स्थान एवं दृशिका साहू ने अंडर 12 क्रेडिट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है एवं ईशा जाजमे ने भी जूनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर युवराज क्लब के अध्यक्ष धर्मेश विजयवर्गीय, सचिव शरद प्रेमी एवं विजय परिहार, बेजू केवल्स, कोच रवि चौराड़िया सहित समस्त युवराज क्लब के सदस्यों ने उनको बधाई दी है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है।
वार्ड क्रमांक 25 के रहवासी नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय के नेतृत्व में आज विद्युत मंडल पहुंचे। यहां उन्होंने मालपुर रोड वार्ड क्रमांक 25 में बिजली की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिकारी को सौंपा। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी ने नगर पालिका से स्वीकृति मिलने के बाद इनकी समस्या के निराकरण का आश्वासन भी इन्होंने दिया है। यहाँ का काम हो गया, अपन कल अध्यक्ष से नगर पालिका में मिलेंगे। सुनो, वोटर अपन नगर पालिका के हैं नहीं, आप मालपुर रोड वार्ड नंबर 25 के रहवासी हैं। इनको विद्युत की भारी दिक्कत है, कनेक्शन इनके हो नहीं पा रहे हैं। ये कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, कनेक्शन इनके हो नहीं पा रहे हैं। 300-400 किलोमीटर की दूरी पे बिजली के खम्भे हैं, उससे भारी दिक्कत इनको हो रही है। तो यहाँ भी एसी साहब से हम लोग मिले, एसी साहब ने कहा हमसे कि आप नगर पालिका से हमको एक लेटर जारी करा दो, हम वहाँ विद्युत पोल गाड़ने के लिए तैयार हैं और इनको स्थायी कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। युवक को खेत पर बुलाकर जबरदस्ती उसे जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम बिलोनिया क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के निवासी एक युवक को उसी के मित्रों द्वारा खेत पर बुलाया गया। वह पुरानी किसी रंजिश के चलते उसके साथ हाथापाई की गई, साथ ही उसके मुंह में कुछ जहरीला पदार्थ भी डाल दिया गया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेरे साथ में जो भा कि मोर रास्ते बुला रहे थे मेरे दुश्मन। कौन? मगर मेरे भैया ही थे बेबी। अब वे मेरे दुश्मन से मिले हुए थे, वे सोच रहे थे कि कोई लाइट वारी लग जाए, अच्छा कोई और मेरे अंदर दुश्मन नहीं लग जाए। जो है जहाँ पे विवाद चल रहा है, मैं लाइट वारे के संग में ही है। तो मैं MPP में बैठो तो रात में है, मैं रात के मेरे खेत पर जिन्ना मैं बुलाओ ते मुर्गा लेके आया जा। मैंने कही मंगलवार है, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ, मत खेत मेरे खेत पर जाओ। फिर जी पहुँच गए जबरदस्त, मैंने इन्हें भगाए, गाली माली देकर फोन पे ये भाग गए। भागे मैं पहुंचा मेरे खेत पे 1 बजे जाके MPB में से। 1 बजे खेत पे पहुंचा सोगा, फिर मैं पता नहीं ये कितनी बेर आए आगे नहीं, मेरी छाती पर बैठ गया जबरदस्ती। पहले इन्हें कहीं मुर्गा खा ले, मैं नहीं खाऊँ। मैंने कही कहीं आप बार बदल गए खा ले, मैं नहीं खाऊँ, मैं इस काम ही नहीं करूँ। मैंने कही ना मैं दारू पीऊँ ना मुर्गा खाऊँ। और मेरे मित्र रहते, दोस्त रहते, चाहे भैया मान लो, कम से कम 1 साल से जब मुझसे दूर हो गए थे, 6 महीना से मैं इनसे और दूर हो गया हैं। जो बिरजन छाती पेड़ का वो बुलाने आने के लिए मेरे मोड़ पर आके जब मेरे खरोंचे मरोचे जिसके तो आ रहे हैं, और एक छोटी सी डिल भी ऐसी बड़ा डाल रही बम कावे कारो कार। तो मैंने हाथा पाई करी इनसे, छूट के भागो छूट के भागो। छूटने के बाद में वो फिर सुध नहीं रही, मैं भाई रहेगा वो जी लोग भाग गए कितना खड़ गए। कल जनसुनवाई में सामने आए जादू टोने वाले मामले में आज एक नया मोड़ आया है। आज यहां दूसरे पक्ष ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इन पर इल्जाम लगाने वाले पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इन्हें बदनाम कर रहे हैं व प्रताड़ित कर रहे हैं, साथ ही इन्हें कई तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं आवेदिका ने किसी भी तरह के जादू टोने करने से भी यहां इनकार किया है। मामला जी है, गिरजा भाई परेशान कर रही है, संतोष परेशान कर रहा है, रचना है एक लड़की पे परेशान कर रही है मेरे को। क्यों परेशान कर रहे हैं? वो मेरे पे आरोप लगा रही है कि तूने 4 लाख रुपए लिए, 1.5 लाख मुझको धमकी देती है, घर आके मेरी वीडियो बनाती है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करती है और जगह जगह जाके पेश कर रही है और बार बार पेपर में निकाल रही है, अखबार में निकाल रही है, मेरी बदनामी कर रही है पूरे में। क्या कह रही है वो? मुझे कह रही है
कि तूने पैसे लिया है जादू मंत्र करके घर वालों को पागल करके, और मेरे को कोई माता नहीं आती, मैं कुछ कोई नहीं करती, मेरी कुल की माता पूछती हूँ मैं बस। मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ जिला गुना इकाई के कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिवसीय धरने पर हैं। इस धरना प्रदर्शन के बारे में मीडिया से बात करते हुए गौ सेवक संघ के कार्यकर्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ के कार्यकर्ताओं से शासन व प्रशासन पंचायत स्तर पर पशुओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहायता लेता है, लेकिन किसी भी प्रकार का मानदेय इन्हें नहीं दिया जाता है। इन्होंने इन सेवाओं के लिए अपना मानदेय सुनिश्चित करने की मांग आज प्रशासन से की है। साथ ही अन्य भी कई मांगें जो इनकी हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक मीडिया को बताया। मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ गुना प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम 15 सालों से निःशुल्क भाव से ग्रामीण स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का भत्ता हमको नहीं दिया जाता, और विभिन्न शासन की योजनाओं में जो पशु चिकित्सालय द्वारा संचालित होती हैं हमसे उनमें पूर्ण कार्य लिया जाता है। टीकाकरण से लेकर जितनी भी योजनाएं होती हैं सब में हम निःशुल्क भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और हम लोग 1 वर्ष के द्वारा प्रशिक्षित, सारे जने प्रशिक्षित हैं शासन के द्वारा। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें पंचायत स्तर पर नियुक्ति दी जाए, सम्मानजनक मान दे दिया जाए, ABFO की भर्ती परीक्षा में 50% हमको आरक्षण दिया जाए, और हम में से कुछ लोग साथी उम्र के हिसाब से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, हमें उम्र में भी छूट दी जाए। ये हमारी कुछ प्रमुख मांगें हैं जो तुरंत शासन को माननी चाहिए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने में व्यस्त हो जाएंगे पंचायत स्तर पर। भोपाल से गुना की ओर आ रही रायन ट्रेवल्स की बस आज सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। उक्त घटना सुबह लगभग 10 बजे जंजाली त्राहे की बताई जा रही है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुल 20 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया। माहौल वगैरह भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर इंदौर की घटना में शहीद बच्चों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। उक्त कार्यक्रम विगत रात्रि जयस्तंभ चौराहे पर रखा गया, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उक्त बच्चों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहन शक्ति दे। डीजीआर न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।